शाहिद कपूर की न्यू फिल्म ब्लडी डेडी का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखने के बाद मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक सदमे का हो तो मुझे ट्रेलर अच्छी लगी। ट्रेलर में शाहिद कपूर के साथ डायना पेंटी, संजय कपूर, राजीव खंडेलवाल एंड रोनित रॉय नजर आ रहे हैं और इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। ये फिल्म 2011 की एक फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट का रीमेक है। वैसे मजे की बात क्या है जानते हैं, इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक जाना नहीं पड़ेगा और पैसा भी बच जाएगा। हम इस फिल्म को जियो सिनेमा में फ्री में देख सकते हैं। ये सब छोड़ो, बढ़ते हैं ट्रेलर की ओर। बात करें ट्रेलर की तो लगभग 2 मिनट का ट्रेलर है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये पूरी फिल्म डस के इर्द गिर्द घूमने वाला है और ये एक रात की कहानी होने वाली है। शायद ट्रेलर में शाहिद कपूर एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आ रहे हैं और उनके पास एक खतरनाक माफिया का ड्रग्स है, इसलिए शाहिद कपूर को कॉल करके धमकी देते हुए कहते हैं वो ड्रग्स लौटाने के लिए और ये भी कहते हैं कि फिर तो आपने चीज ले जाना। इससे ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर का कोई चीज उनके पास है, जिससे वो शाहिद कपूर को ड्रग्स लौटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर क्या है और क्या वो ड्रग्स लौटाएंगे, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर में एक्शन सीन जबरदस्त है, मगर बीजीएम काफी लाउड है। ट्रेलर में एडिटिंग भी काफी अच्छे से की गई है और ट्रेलर के अंदर शाहिद कपूर के लुक और उनके परफॉर्मेंस लाजवाब है और बाकी एक्टर के परफॉर्मेंस भी अच्छी है। वैसे इसके ट्रेलर से हॉलीवुड फिल्म जॉन विक की भाई आती है। उसे क्या आपने ट्रेलर देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।